यस वहां पे ट्रिगर, ट्रिगर अपने टीम के लिए द लोन सर्वाइवर। ट्रिगर हमने आज दो बार स्पॉट कर लिए रैंगल में, काफी बेहतरीन गेम प्ले, काफी बेहतरीन तरीके से अपने टीम को होल्ड कर रहे हैं, पर इनके पास सिर्फ बैंडेज है। आई एम नॉट रियली श्योर बैंडेज आर गोना हेल्प। अब्रार यहां पे प्री कुक नेट फेंकेंगे, नेट खाएंगे भी, बट दोनों ही नेट का ज्यादा कोई डैमेज हुआ नहीं। फियर्स वुड वांट टू गो फॉर द हिल एंड वी आर डाउन टू लास्ट थ्री टीम्स। क्रैट Exactly, यहाँ पे जो सिचुएशन है लाइक दो टीम के बीच में जंग है, इट्स इज रेकनिंग वर्सेस टीम एक्सो, बट जो वहाँ पे ओजी है, जो वहाँ पे ट्रिगर है, वो फायदा उठा सकते हैं, वो गेम में बाहर नहीं है। जब तक जिंदा है तब तक पूरे चांसेस हैं, बट जो सिचुएशन थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए है कि यहाँ पे मैन एडवांटेज है जो वो रेकनिंग के फेवर में है और काफी अच्छी पोजिशन होल्ड करके बैठे हैं, और जो एक्सो के प्लेयर्स है लेट्स स्प्लिट अप, दूर दूर है, बट वही शुरुआत होती है। एस्पा ने यहाँ पे पहला नॉक निकाला, अब्रार थोड़ा सा एग्रेसिव खेलने की कोशिश कर रहे थे और वहीं पे वो गलती होती है। साना नाना यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं, अब्रार की किल यहाँ पे कंफर्म करी, फिनिश यहाँ पे कंफर्म करा। एस्पा दिस किड इज डायनामिक, मतलब बैक टू बैक द मोमेंट ही एडेड हिमसेल्फ टू द रोस्टर टूर्नामेंट में, यहाँ पर जो एक्सो का पोटेंशियल है वो बिल्कुल आसमान फाड़ रहा है। अभी हाई रेंज का एडवांटेज है यहाँ पर टीम रेकनिंग के पास, और वो आराम से टीपीपी लेंगे। स्मोक जैसे ही फेड ऑफ होगा दे विल ऑब्वियसली दे विल स्पॉट एस पावर, यहाँ पे एस पावर स्पॉट हो चुके हैं। एडीएस की फाइट लेने की कोशिश, एडीएस खोला बट स्प्रे ने यहाँ पर अपना मिस कर दिया। भाई पे एस पावर अगेन टेकिंग सो मच डैमेज एंड गिविंग एवरीथिंग पॉसिबल, जो मैन एडवांटेज थी एस पावर ने सिंगल हैंडेडली यहाँ पर डेसिमेट कर दिया। अब दो प्लेयर बचे यहाँ पे रेकनिंग के, और वहीं पर तीन प्लेयर अभी भी सर्वाइविंग है एक्सो के। ही इज अ फ्रंट मैन लीडिंग, कहते हैं ना जो पहला प्लेयर खड़ा होता है आगे वो डैमेज लेता है, पीछे वाला गेम करते हैं। ही इज अ वन कहते हैं डैमेज भी मैं ही दूंगा, मारूंगा भी मैं, और एक और प्लेयर यहाँ पे डैमेज दिया, मैक्सिमम भी वहां पे नॉकआउट करा, और अफसोस यहाँ पे नॉकआउट हो चुके। बट दिस इज अ टाइम कि वो अपने टीममेट के यहाँ पे फियर्स और सराना की जरूरत है। किरेटो ने यहाँ पे ग्रोजा से यहाँ पे मेरे ख्याल से फिनिश कंफर्म करने की कोशिश कर रहे थे, किरेटो ने सराना की यहाँ पे जो किल थी जो फिनिश था वो यहाँ पे कंफर्म करा। अभी भी हाइट एडवांटेज है यहाँ पे, किरीटो कोशिश कर रहे हैं, पियर्स के पास अच्छा मौका है, उनके पास एक अच्छा कवर है, बट दोनों को एक दूसरे की पोजीशन पता है। एडी एडी करके जाने की कोशिश करने कर रहे हैं, जिगल दे रहे हैं, बट पता है जिसके पास टीपी पे उसके पास फायदा होता है, बट किरीटो को पता नहीं कि किस टाइप पे अटैक कर रहे हैं। ओ माय गॉड, ही डिड इट, ही डिड इट, ही जस्ट पुल्ड इट ऑफ। आई सेड कि ट्रिगर के पास शायद एडवांटेज नहीं है, and he showed how perfectly to execute a third party pulls off the chicken dinner, the best fucking match, the best thing that he could have done. kya shandar chicken og ke liye, orangutan ke liye kya chicken tha ye, unbelievable chicken, unbelievable gameplay coming from Drigger and Krat. maine bola ki shayad usko koi advantage diya, and look at the way he just converted, proved me wrong on my face. bahut shandar game and orangutan with I don't know what but an amazing chicken, par obvious baat hai exo ke jo hamara performance tha aur jo reckoning ka performance tha usko hum unse pull off nahi karenge, par trigger ko mvp of this particular match to matlab for sure milna padega।